हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपको प्रगति मैदान, जहां पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 की स्टार्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में ट्रेड फेयर से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलने वाली है। आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, अगर आप भाई मेट्रो आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, कितने दिन ये एग्जीबिशन चलने वाली है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है, पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट कौन कौन से होने वाले हैं, इनफैक्ट 5-5 फोकस स्टेट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और प्राइसिंग से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। बिजनेस डेज में क्या प्राइस आपको पे करना पड़ेगा और नॉर्मल डेज में क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, टिकट आप कहाँ से ले सकते हैं, इस तरह की लेटेस्ट और जरूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मेरे पीछे गेट नंबर 10 देख पा रहे हैं जहाँ से आपकी एंट्री होने वाली है। तो सामने गेट नंबर 10 देख पा रहे हैं जहाँ से आपकी एंट्री होने वाली है और लेटेस्ट अपडेट आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें कि 42 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आपको देखने के लिए मिल पाएगा। और मैं डेट्स की बात करूँ तो 14 से 27 नवंबर के बीच में आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। प्रगति मैदान दिल्ली में इसकी जो लोकेशन होने वाली है और यहाँ पर जो फेयर्स के टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 10 बजे से लेकर 7:30 के बीच में आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। इस बार पार्टनर स्टेट बिहार आपको देखने के लिए मिल पाएगा और केरला देखने के लिए मिल पाएगा। फोकस स्टेट की मैं बात करूँ तो 5-5 फोकस स्टेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बाद में झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, वो 5-5 फोकस स्टेट इसको आपको इस बार देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस बार के ट्रेड फेयर की थीम वसुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड होने वाली है और इस तरह से ट्रेड फेयर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सामने आपको गेट नंबर 10 देख पा रहे हैं जहां से आपकी एंट्री होने वाली है। इस बार के ट्रेड फेयर यानी 42वें ट्रेड फेयर में भी आपको सेम टिकट प्राइस पे करना पड़ेगा जो लास्ट ईयर आपने पे किया था। और टिकट प्राइस की आप सामने लिस्ट देख पा रहे हैं। बिजनेस डेज में आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा और अगर आपके साथ बिजनेस डेज में चिल्ड्रन आ रहे हैं तो आपको 150 रुपीज पे करना पड़ेगा। बिजनेस डेज 5 डेज के लिए होता है, इट मीन्स 14 से लेकर 18 नवंबर तक आप बिजनेस डेज में विजिट कर पाएंगे। जनरल पब्लिक के लिए ट्रेड फेयर में एंट्री 19 नवंबर से होने वाली है और वीकेंड और हॉलीडेज में 150 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ चिल्ड्रन आ रहे हैं तो आपको 60 रुपीज पे करना पड़ेगा। वीकडेज में प्राइस डिफरेंट हो जाता है और 80 रुपीज एडल्ट्स के लिए पे करना पड़ेगा और चिल्ड्रन के लिए 40 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो सामने आप लिस्ट देख पा रहे हैं पूरी कंप्लीट। बयालीसवें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से ही ले सकते हैं। बात करें ऑफलाइन मोड की तो आपको काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन पर टिकट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है और उनसे आप टिकट्स ले सकते हैं। और ऑनलाइन मोड की बात करें तो पेटीएम इनसाइडर और बुक माई शो जैसी ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप आसानी से टिकट ले सकते हैं और ट्रेड फेयर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस बार का इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला होने वाला है और अप्रोक्स 1.1 लाख स्क्वायर मीटर में फैला ये एरिया होने वाला है। तो आपको काफी ज्यादा शॉपिंग ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाली है और नए नए प्रोडक्ट को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कितने का है मैम? और नहीं है दिखा हुआ, इस तरह के हो। इस बार के ट्रेड फेयर यानी 42वें ट्रेड फेयर में 3 हॉल एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 6 और हॉल नंबर 14। इट मीन्स ज़्यादा शॉपिंग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस ट्रेड फेयर में देखने के लिए मिलने वाली हैं। ब्रॉडर एरिया आपको इस बार के ट्रेड फेयर में देखने के लिए मिलने वाला है। इस बार के ट्रेड फेयर में काफ़ी सारे सेल्फी पॉइंट भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जहां से आप सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी सारी विदेशी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर रही है और होम डेकोरेटिव आइटम सामने आप देख पा रहे हैं। इस तरह के काफ़ी सारे कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया हुआ है और काफ़ी लुक में अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इस बार का ट्रेड फेयर काफ़ी यूनिक होने वाला है और काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है। और ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है गुजरात का स्टॉल है, कितना जबरदस्त डेकोरेशन से कितना अच्छा है स्टॉल लग रहा है, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पर गुजरात से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस एक्सपो में कंपनीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को प्रमोट किया है और अपने स्टॉलों को एग्जिबिट्स करने के लिए एक मौका भी दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनीज़ के स्टॉल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को उन्होंने शोकेस किया हुआ है। इस बार के ट्रेड फेयर में होममेड से रिलेटेड आइटम्स की काफ़ी ज़्यादा रेंज आपको देखने के लिए मिलने वाली है और सामने आप देख पा रहे हैं तो किस तरह से होममेड आइटम्स को बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं।
महाराष्ट्र नागपुर कामठी कामठी ब्लॉक एरखेड़ा गांव से हूँ और हमारा एसएचजी का नाम है स्वप्नपूर्ति स्वयं सहायता समूह और हमारा हमारे पास 10 एम्प्लॉयज है और 10 एम्प्लॉयज मिलके हम ये वुडन आर्टिफैक्ट्स पॉल्स डेकोर का काम करते हैं और इसमें हम पूजा आर्टिकल्स है, मेटल के प्रोडक्ट है हमारे और ये हम अमेजोन पे भी और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बिजनेस करते हैं। ये है मेटल का है सर, ये वॉशेबल है, आप धो सकते हैं इसको और ये अंदर से भी यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें मेटालिक पेंट किया है, ये काला न पड़े करके इसको घिसने की भी जरूरत नहीं है, ये वैसे के वैसा ही रहेगा। और ये हाँ ये है कन्हैया बाल गोपाल का झूला है और ये है सोप सुपारी ड्राई फ्रूट्स बॉक्स बोलते हैं इसको, इसमें ये भी एक वैरायटी है, ये आएगा इसमें, ये है हाँ, ये पूजा चौकी है। ये पूजा चौकी तो काफी बढ़िया लग रही है, ये क्या कॉस्ट की बढ़ने वाली है? ये 4000 की है सर, यहाँ 5 दिन लगते सर इसको बनाने में, इसलिए इसके रेट थोड़े कॉस्टली है। और वो वाला होम डेकोरेटिव है? हाँ, ये की होल्डर है हमारे पास और ये अलग अलग वैरायटी में की होल्डर है, इसमें हमने स्ट्रक्चर किया है सिरेमिक से। ये गैस पे लगाने वाला है, घर की जो गैस है गैस के स्टैंड पे लगाना होता है, यहाँ पे 2 गिलास पानी डालना होता है, पानी इसलिए डाला जाता है पानी से खाना जले नहीं और कोई स्मोक ना आए, और ये ऐसे लगा दिया जाता है। इस पर जो भी आप बनाएंगे इसी पे नान रोटी पिज्ज़ा बाटी सैंडविच ग्रिल सैंडविच वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ बना के। बेसन का ये देना ला तुम, ये देखो ऐसे चीला डोसा भी बनाइए, चीला बनाओ, डोसा बनाओ, रवा डोसा बनाओ, ऑनियन डोसा, लच्छा पराठा, नान, तंदूरी रोटी वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, जो ऐसे कोई भी वेजिटेबल सब्जियाँ भी बना सकते हैं, जैसे बर्मा बैंगन है, भिंडी है, करेले है, कोई भी ऐसे जो फ्रोजन आता है ना सर, इनको घर में लोग बाग डीप फ्राई सेलो फ्राई करते हैं, यहाँ पे डीप फ्राई सेलो फ्राई नहीं करना है, सीधा पैकेट खोलो और डाल दीजिए। मेलामाइन क्रॉकरी है सर, वेट के अकॉर्डिंग है, सूप सूप स्पून्स हैं, सूप प्लेट्स हैं, बाउल्स हैं, सर्विंग बाउल्स हैं, चाइनीज बाउल्स भी हैं, सूप बाउल्स भी हैं, डिनर प्लेट्स, चाइल्ड प्लेट्स हैं, ट्रे हैं, कॉफ़ी मग हैं और पूरे डिनर सेट भी मिल जाएंगे आपको, बाकी आप अलग अलग आइटम भी ले सकते हो आप, यहाँ पे सारा वेट के अकॉर्डिंग से है, 499 पर केजी। तो इतनी सारी तरह की जो वैरायटीज है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, सभी प्लास्टिक है किस आइटम से? सर मेलामाइन है, ये मेलामाइन है, माइक्रोवेव सेव होता है ये। हाँ जी, तो माइक्रोवेव में हम इन्हें रख सकते हैं? हाँ जी, माइक्रोवेव में रख सकते हैं हीटिंग करने के लिए। अरे बनी